जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी प्रोग्रामर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को आपका जो OTR है और साथ ही जो SSO की वेबसाइट है उसके माध्यम से भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन लोग इसमें किस क्वालिफिकेशन से एलिजिबल रहेंगे, एज लिमिट क्या है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, अप्लाई करने के लिए क्या फीस आपको पे करनी है। एनी सभी जानकारी के साथ आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी रखी है। नोटिफिकेशन के अलावा थोड़ा शॉर्ट में आप यहां पर जान लीजिएगा। अब अगर आप इसमें एलिजिबल और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको कैसे अप्लाई करना है आपको ये जान लेना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको की वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको यहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉग इन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहां पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर I forgot my password क्लिक कर इसके सामने क्लिक पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहां पर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहां पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहां पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहां पर सेलेक्ट करना कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहां पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहां पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहां पर इस्तेमाल करना है, कोई भी ईमेल आईडी आप यहां पर डालिए एंड द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहां पर आपकी SSO ID बना लेनी है, आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फेच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहां पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको यहां पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस, आपके सामने यहां पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते तो ये भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइस, यहां पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहां पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया, तो आप यहां पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहां पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहां पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहां पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहां पर डाल देंगे एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहां पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहां पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइस आपको यहां पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहां पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने यहां पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का सेक्शन आएगा, इसमें आपको नीचे की तरफ RPSC प्रोग्रामर एग्जाम 2024 देखने को मिलेगा, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर प्रोग्रामर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर यहां पर आपके सामने OTR
OTR की जानकारी आती है। तो जो जानकारी आपने OTR के अंदर भरी थी आप उसको रिव्यू कर लीजिए। अगर कोई जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ चुकी है। ये जो आप ग्रे व्हाइट में देख पा रहे हैं ये वो जानकारी जो कि आपने OTR के अंदर भरी थी और आप इसमें कोई चेंजेस यहाँ से नहीं कर पाएंगे, वो आप यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका मदर का नेम एंटर करना है, आपकी एज कितनी होते वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने डेमो के लिए यहाँ पर भरी है, वैसे मैं इतनी एज मेरी नहीं है। एंड फिर यहाँ पर आती है कैटेगरी, तो जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप विकलांग है तो आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल को यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोवर, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आपको यहाँ पर आपके जीवन साथी का नाम देना होगा, जीवन साथी के पिता का नाम भी देना होगा, साथ ही शादी की तारीख भी देनी होगी, साथ ही साथ 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे और 1/6/2002 से बाद कितने बच्चे हैं वो भी, उनकी संख्या भी आपको देनी होगी। अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर 00 लिख देंगे। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया गया होगा और साथ ही आप यहाँ पर आपका व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। फिर आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपको आपकी आधार आईडी देनी है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। पासपोर्ट है आपके पास तो पासपोर्ट नंबर भी दे सकते हैं, जन आधार आईडी आपके पास है तो आप जन आधार आईडी भी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इन तीनों ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी रूप में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में गाइज आपका जो कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट, टू और थ्री के अंदर आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर डाल देंगे। स्टेट यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर लिख देंगे, पिन कोड डाल देंगे और यहाँ पर आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन भी आप दे देंगे। मैंने यहाँ पर ये एड्रेस की जानकारी डेमो के लिए भरी है, आपको आपकी रियल जानकारी भरनी है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल का सेक्शन आता है जहाँ पर डोमिसाइल डिटेल दी गई है, तो आपको यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन देखने को मिलेगी, आपकी होम स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। यहाँ पर गाइज सभी डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रही है और इस संबंध में आपके फिर बाद में सवाल भी आते हैं कि सर मेरी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रही है, तो गाइज इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर जो ये चीज है टेक्निकल है और इसमें वेबसाइट के ही अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन डाली गई है, तो मुझे लगता है कि मे बी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी है जो कि यहाँ पर मैंसन की गई है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं में से आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा क्योंकि अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर इसका कोई सोल्यूशन मिलता है आगे चल करके तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका होम ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे दिए गए इंस्ट्रक्शन इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग। फिर आपकी तहसील आप सिलेक्ट करेंगे, आपके विलेज का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ पर आता है कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कुछ सवाल पूछे हैं जैसे कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है आप, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने एक और सवाल है कि क्या आप आयुष्मान में छूट चाहते हैं जो कि राज्य सरकार आरजी पंचायत समिति इनको मिलती है, इन कर्मचारियों को दी जाती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने देंगे। एंड एडिशनल कैटेगरी दी गई है, मिनिस्ट्रियल इंप्लॉई है, नॉन गजेटेड इंप्लॉई है, रिलीज्ड एमरजेंसी कमीशन से है, तो आप वो टिक कर दे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा, तो पहले तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए एंड इसके बाद में आप टेंथ की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। टेंथ वाले सेक्शन में सब्जेक्ट ग्रुप में आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड फिर आपको आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर देना है, आपका टेंथ का रोल नंबर भरना है, किसके अंदर आपके नंबर है, CGPA, ग्रेड परसेंटेज वो आपको सेलेक्ट करना है, किस साल के अंदर पास कर ली थी 10वीं वो आप बताएंगे और परसेंटेज या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरनी है, 12वीं आपने किस सब्जेक्ट से की है, किस ग्रुप से की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, 12वीं का रोल नंबर देना है, आपका सिस्टम चुनना है कि किसके अंदर आपके नंबर है एंड फिर आपको पासिंग ईयर डालना है और अपनी परसेंटेज भर देनी है। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी, तो ग्रेजुएशन
में आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने किया उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे, फाइनल ईयर का रोल नंबर देंगे, किसके अंदर नंबर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे और परसेंटेज भी भर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास पीजी डिग्री भी है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको एक्सपीरियंस का सेक्शन दिया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस करके उसकी जानकारी भर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक ओटीपी सेंड किया है आपके नंबर और ईमेल के ऊपर, तो आप यहाँ पर ओटीपी डालिए और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। एंड देन यहाँ से ओके करने के बाद में आपके सामने फोटो साइन का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 100 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप फाइल जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल या पीसी से फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो वो अगर कोई मार्क है आपकी बॉडी के ऊपर लिख दीजिए, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आ चुका है, जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो चेक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए, अगर लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट करना है, यहाँ पर टिक करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर से आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए मैं ये ओटीपी आपके सामने ही डालता हूँ, मैं यहाँ पर ओटीपी मुझे मिल चुका है, मैं इसको डालता हूँ और वेरीफाई ओटीपी कर देता हूँ। तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, आप यहाँ पर प्रिंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में इसको सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो आपको तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।